बड़ी सफलता हासिल करते हुए इंटरस्टेट वाहन चोरों का गिरोह धर दबोचा। इस गिरोह के सदस्यों की निशानदेही पर 49 वाहन बरामद किए गए हैं, जिनको कुछ ही दिनों में दूसरे देश में बेचने के लिए निकाला जाना था। इस गिरोह के द्वारा पहले वाहन को चुराया जाता था और बाद में उसके खुद ही नकली दस्तावेज बनाकर वाहनों को गोरखपुर और महाराजगंज के रास्ते से नेपाल की सीमा में ले जाकर बेच दिया जाता था। जनपद में हमारे तेज तर्रार SHO अनिल कुमार पांडे कृष्णा नगर के द्वारा एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा हुआ, जिसमें कि इन्होंने 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को पकड़ा और इनके पास से 43 वाहन को इन्होंने रिकवरी की। ये बाहर नारदगंज एक जगह है, वहाँ पर एक पुराने फैक्ट्री में रखे हुए थे और ये पुलिस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। और इसमें 4 जो लोग पकड़े गए, अजय कुमार सुखला जो था ये इसका मास्टर माइंड था, जो कि इसको चोरी करता था, वाहन चोरी करता था, और 2 लोग और जानुष कुमार और संजय जो कि मिस्त्री थे और वो उसमें जो भी कमी बेसी रहती थी और उसको चेंज करने का काम करता था, और राजेश कुमार चौरसिया था जो ये प्रिंटर आप देख रहे हैं इसके थ्रू यह RC को चेंज करता था, जो RC आपके सामने है, और उसके बाद यह वाहन को भेज देता था। इसमें से ज़्यादातर काफ़ी वाहन ये मैलानी के रास्ते लखीमपुर होते हुए नेपाल को भी भेजते थे और ज़्यादातर इन्होंने जो वाहन है वो पूछताछ में बताया कि अमरौली को उन्हें भेजते थे, हरदोई के ये दोनों अनुप कुमार और संजय अतरौली का रहने वाला था। और हमारे जनपद के अभी तक 8 वाहन इसमें से बरामद हुए हैं, जिसको हम लोग कनेक्ट कर पाए हैं। ये वाहन कृष्णा नगर, आलमबाग, तालकटोरा, वजीरगंज और चोबी नगर 5 अलग अलग थानों से चोरी हुई थी, जिसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और ये अभी तक जो पूछताछ में बदमाशों ने ये बताया है कि इनके द्वारा ज़्यादातर ये वाहन जो थे हरदोई के क्षेत्र में बेचे गए हैं, लखीमपुर में बेचे गए हैं और नेपाल में। कृष्णा नगर पुलिस लंबे समय से वाहन चोरी की वारदातों से परेशान थी, जिसके लिए वह एक क्लू का इंतजार कर रही थी। इसी बीच वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन के पेपर चेक किए तो पेपर से पुलिस को संदेह लगा, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि चेकिंग के दौरान पकड़ा गया वाहन चोरी का है। इस पर पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ 4 लोगों का गैंग है जो वाहनों को चोरी करके उसको बाहर बेचता है। इन लोगों के कब्जे से पुलिस ने 41 वाहन और एक प्रिंटर बरामद किया है, साथ ही कुछ RTO की मोहरे भी बरामद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।